नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। पिछले सप्ताह अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या 75 तक पहुंच गई थी। हर दिन मौत का सिलसिला भी जारी था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी कम हुई है। फिलहाल विविध अस्पतालों में 66 मरीज भर्ती है। सभी मरीज सिटी के अस्पतालों में ही है। जिले में अन्य किसी भी अस्पताल में मरीज नहीं है, लेकिन संक्रमित होने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। इस बीच 24 घंटे के भीतर 2,583 नमूनों की जांच की गई। इसमें 212 संक्रमित पाए गए। इनमें सिटी में 113 और ग्रामीण में 79 लोगों का समावेश है, जबकि 262 मरीज कोरोना से मुक्त भी हुए। फिलहाल एक्टिव केसेस 1,510 है। 1,444 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका के आम चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण की लॉटरी निकालकर मनपा ने भले ही प्रक्रिया पूरी कर ली हो, लेकिन निकाला गया आरक्षण तर्कसंगत और उचित न होने का हवाला देते हुए 4 प्रभागों को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई है, जिससे अब आरक्षण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उल्लेखनीय है कि 29 जुलाई को ओबीसी आरक्षण की लॉटरी निकाली गई, जिसके बाद 30 जुलाई से 2 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज करने के लिए लोगों को समय दिया गया था। मंगलवार को अंतिम दिन 4 प्रभागों के आरक्षण को लेकर आपत्तियां प्राप्त हुई। प्रभाग 25 के लिए निकाली गई लॉटरी पर आपत्ति दर्ज कर पूर्व पार्षद कृष्णा एन प्रेडिवार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी मिलने से पहले मनपा की ओर से केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया था। इसी तरह से सामान्य वर्ग महिला के लिए भी आरक्षण तय किया गया था। इस तरह से अंतिम आरक्षण के बाद प्रभाग 25 में एक सीट एसटी सामान्य, दूसरी सीट सर्वसाधारण महिला वर्ग और तीसरी सीट सर्वसाधारण पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित हुई थी, लेकिन इस लॉटरी पद्धति में कई खामियां पाई गई है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और जीवनावश्यक वस्तुओं पर 5% जीएसटी के कार्यान्वयन पर ज्ञापन सौंपकर मामले में उनसे हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों, कारोबारी समुदाय और नागरिकों में नाराजगी एक जैसी है, हर तरफ भ्रम है। व्यापारियों पर जीएसटी के अनुपालन का बोझ होगा, किसानों को अपने माल के मूल्य में कमी का डर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और केंद्र सरकार जीएसटी परिषद के साथ अपने अच्छे संबंध का उपयोग कर ब्रांडेड अनाज पर जीएसटी की जगह प्री पैक और लेबल अनाज पर 5% जीएसटी लगाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने और वापस लेने के लिए प्रभावित करने का अनुरोध किया। गडकरी ने धैर्यपूर्वक मुद्दों को सुनने के बाद मामले को वित्त मंत्री और पार्टी नेतृत्व के साथ उठाने का आश्वासन दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त तक बूस्टर डोज के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। केवल 15 दिनों के भीतर ही 1,00,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज देने का टारगेट पूरा होने की जानकारी मनपा ने दी। उल्लेखनीय है कि 15 जुलाई से अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें 31 जुलाई तक कुल 1,21,579 लोगों को बूस्टर डोज दिया गया है। शहर में लगातार कोरोना के बाधितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने के निर्देश दिए थे। मनपा की ओर से शुरुआत में कुछ केंद्रों को बूस्टर डोज के लिए निर्धारित किया गया था। यहां तक कि वैक्सीनेशन सेंटर में वृद्धि भी की गई, किंतु आवश्यकता अनुसार वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। अतः हर घर दस्तक मुहिम शुरू की गई, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को घरों में जाकर बूस्टर डोज दिया जा रहा था। बताया जाता है कि 75 दिनों तक इस मुहिम को चलाया जाना है। मनपा आयुक्त ने बूस्टर डोज लेने की अपील लोगों से की। बताया जाता है कि सर्वाधिक लक्ष्मीनगर जोन में 18,181 लोगों को वैक्सीन दी गई है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा नागपुर संस्था की बहनों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राखियां बांधकर उनका आशीर्वाद लिया। ये कार्यक्रम गडकरी के निवास स्थान पर सम्पन्न हुआ। प्रचार मंत्री कविता खेमका ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारी आस्था व सुहाग से जुड़े पारंपरिक श्रावण तीज के त्योहार पर कंचन गडकरी के हाथों में शगुन की मेहंदी व तिलक लगाकर उनका सिंधारा किया गया। सौम्यता व अत्यंत अपनत्व के साथ उन्होंने भी हम सबका स्वागत किया। मध्यांचल प्रमुख शारदा मेहाड़िया, कुमकुम अग्रवाल, अध्यक्ष सुषमा अग्रवाल, सचिव माया शर्मा, पूर्णिमा गोयल, सुशीला मंत्री, किरण मंत्री, शीतल अग्रवाल व शोभा व्यास कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित थे। संस्था अध्यक्ष व सचिव द्वारा संस्था के विभिन्न प्रकल्पों व सामाजिक कार्यों की विस्तृत जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दी, जिसकी उन्होंने मुक्त कंठ से सराहना करते हुए भविष्य में हर संभव सहायता करने का भी आश्वासन दिया।
भारतीय ज्ञान मंच द्वारा स्कूली छात्रों के लिए खेलकूद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। प्रतियोगिता पंडित बच्छराज व्यास हाई स्कूल के गोलवलकर सभागृह में आयोजित की गई है। प्रतियोगिता रविवार 21 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे आरंभ होगी। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता निःशुल्क है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। भाग लेने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसमें किसी भी स्कूल के बच्चे भाग ले सकते हैं। ये प्रतियोगिता 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक बच्चों के लिए है। भाग लेने के लिए इच्छुक अपना नाम और स्कूल का नाम आयोजकों के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। किसी भी अन्य प्रश्न के लिए भी आयोजकों से संपर्क किया जा सकता है। खंडवानी टाउन वाठड़ा में शर्मा परिवार की यजमानी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज बुधवार 3 अगस्त से 10 अगस्त तक किया गया है। वृंदावन के पंडित प्रमोद कृष्ण शास्त्री अपने मुखारविंद से कथा वाचन करेंगे। कथा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रखा गया है। आयोजन के सफलतार्थ प्रवीण व्यास, गिरीश झंवर, अजय भाटिया, राजेश आचार्य, आशीष तिवारी, राजकुमार पुरोहित, निकिता, अंकित शर्मा, अंजलि व्यास, कोमल पीपलवा, मीना जैन, मीनाक्षी हर्ष व समस्त खंडवानी टाउन रहवासियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। कथा का लाभ उठाने की विनंती अंकित शर्मा व शर्मा परिवार ने की है। नवोदित साहित्य मंच की व्यासपीठ पर अल अजीज एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की 142वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ईदगाह कहानी का मंचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मजीद बैग मुगल ने की। प्रमुख अतिथि प्रोफेसर तजिंदर सिंह, चुड़ाराम बल्लारपुरे तथा शब्द शिल्प आर के प्रकाशन के कलाम खान प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजक व संस्थापक सचिव अब्दुल अमानी कुरैशी सभी कलाकारों का स्वागत किया। इस अवसर पर बहुभाषीय कवि सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें मराठी, हिंदी, उर्दू के कलाकारों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिनमें प्रभाकर तांडेकर, प्रोफेसर विनय पाटिल, प्रोफेसर प्रकाश गोंडे, चरणदास वैरागड़े, प्रोफेसर हृदय चक्रधर, प्रोफेसर संजय तिजारे, वामन हातागड़े, रोशनी गणवीर, ऊर्जा रजनी, राजेश माहुरकर, प्रोफेसर विजय पाटिल शामिल थे। पूर्व उच्च प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में काटोल तहसील के 12 परीक्षा केंद्रों से 1,389 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ये परीक्षा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे के तहत रविवार 31 जुलाई को संपन्न हुई। काटोल तहसील के तहसील शिक्षणाधिकारी सोनटक्के ने बताया कि इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काटोल तहसील में से कक्षा 5 के 898 तथा कक्षा 8 के 600 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इस परीक्षा में 1,389 परीक्षार्थी शामिल हुए, 109 आवेदक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। काटोल तहसील में ये छात्रवृत्ति परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। काटोल के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर संजय पाटिल द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कैट ने देश भर में हर घर तिरंगा हर दुकान तिरंगा अभियान शुरू किया है। देश भर के सभी राज्यों में तिरंगा अभियान को लेकर व्यापारियों तथा आम लोगों में जबरदस्त उत्साह और उमंग है और बड़े पैमाने पर देश भर के 40,000 से अधिक व्यापारी संगठन कैट के नेतृत्व में इस बड़े अभियान का संचालन करने की तैयारियों में जुट गए हैं। देश भर में व्यापारी संगठनों ने तिरंगा मैराथन दौड़ तथा तिरंगा रैली सहित तीनों सशस्त्र सेनाओं के विशिष्ट सैन्य अधिकारियों का अभिनंदन, विभिन्न बाजारों में हर दुकान तिरंगा रैली, बाजारों को तिरंगा रोशनी से सजाना, कार रैली, बाइक रैली, साइकिल रैली आदि अनेक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। वहीं दुकानों पर पोस्टर तथा वाहनों पर तिरंगा स्टिकर लगाने का भी एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। देश भर में तिरंगे की धूम दिखाई दे, कैट ने ये संकल्प लिया है। इस सिलसिले में कैट ने वरिष्ठ सदस्यों से सोमवार को देश भर के व्यापारियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें देश भर के व्यापारियों ने हर घर तिरंगा हर दुकान तिरंगा अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों पर स्थित पूछताछ काउंटर का नाम बदलकर सहयोग किया। भारतीय रेल द्वारा यात्री सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों से संबंधित आवश्यक पूछताछ आदि के लिए सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में पूछताछ काउंटर उपलब्ध कराए गए हैं। इन पूछताछ काउंटरों के जरिए रेल यात्री ट्रेनों की स्थिति, ट्रेनों की किस प्लेटफॉर्म पर आगमन होगी, ये जानकारी सहित स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों से जुड़े अहम जानकारियां हासिल करते हैं।
रेलवे स्टेशनों पर इंक्वायरी बूथ में मौजूद अधिकारी यात्रियों की काफी सहायता करते हैं। रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशनों पर स्थित इन पूछताछ काउंटर के नाम में परिवर्तित कर सहयोग किया है, क्योंकि सहयोग शब्द पढ़ने से पूछताछ काउंटर में यात्रियों की पहुंच पहले से ज्यादा बढ़ेगी और सफर के दौरान होने वाली मुश्किल आसान हो जाएगी। इसलिए अब रेलवे स्टेशनों पर स्थित ये पूछताछ काउंटर सहयोग के नाम से जाने जाएंगे। श्री लालसोट गौड़ ब्राह्मण सभा अंतर्गत परशुराम धाम गौड़ ब्राह्मण महिला मंच द्वारा चांडक लेआउट स्थित संस्था के भवन परशुराम लॉन में रविवार को हरियाली तीज के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पूरे उत्साह और उमंग के साथ हरियाली तीज मनाई। सभी महिलाओं ने 16 श्रृंगार के साथ हरे रंग के परिधान में शामिल होकर कार्यक्रम में चार चांद लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था के अध्यक्ष पंडित गोपाल कृष्ण पांखला और किशोर रिखवचन शर्मा द्वारा भगवान परशुराम की प्रतिमा को माल्यार्पण कर आरती और दीप प्रज्वलन से की गई। इसके बाद सास बहु श्रृंगार, ननद भाभी श्रृंगार और देवरानी जेठानी श्रृंगार प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें लगभग 26 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में विजेता रेवा शर्मा, शिवानी शर्मा, प्रिया पांखला, सुमन पांखला और रश्मि शर्मा, श्रुति चौबे रही। संस्था भवन में समाज की महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के हस्तनिर्मित वस्तुओं एवं विभिन्न स्वादिष्ट गर्मागर्म पकवानों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसका लुत्फ वहां शामिल सभी महिलाओं और बच्चों ने जमकर उठाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नीता शर्मा, संतोष सिरोया, श्वेता मानकर, किरण किशोर शर्मा उपस्थित थी। पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री तथा बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर संजय पासवान ने मंगलवार को कहा कि हमें शब्द और संस्कार का निर्यात करना चाहिए। डायस्पोरा के लिए एक उपयुक्त शब्द बिहार हो सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। भारतवंशी श्रम, संस्कृति और ज्ञान के प्रसार हेतु भारत से बाहर गए डॉक्टर पासवान महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद तथा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से भारतीय डायस्पोरा का वैश्विक परिप्रेक्ष्य, जीवन और संस्कृति विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोल रहे थे। समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने की। डॉक्टर पासवान ने आगे कहा कि गिरमिटिया के रूप में सबसे ज्यादा बिहार से लोगों को ले जाया गया, श्रमिकों का विस्थापन, वितरण और विभाजन हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार धर्मानुकूल और देशानुकूल है, हम अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया में व्यापार कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के दौर में नए शब्दों को विस्तारित करना है, इस दृष्टि से डायस्पोरा अध्ययन को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण में भारतीय डायस्पोरा का अपार योगदान है। गांधी सागर झूलेलाल मंदिर परिसर में सिंधु झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में महंत ठाकुर मोहनदास के सानिध्य में चारिहा महोत्सव श्रद्धा व भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। निरंतर 3 दिनों तक राधा कृष्ण भक्त परिवार के दामोदर दास भक्तों को भक्ति रस की सरिता में गोते लगाते रहे। सुबह शाम पूना के स्वामी ज्ञान दीपक के प्रवचनों कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से गांधी सागर झूलेलाल मंदिर परिसर पर मनाया गया। महंत ठाकुर मोहनदास द्वारा शिवजी का महाभिषेक कर 108 बेलपत्र अर्पित की गई। झूलेलाल चालीहा 40 दिन का मंदिर परिसर चल रहा है। इस दौरान भोपाल से आई भजन मंडली सुनील कुमार और जस गायक प्रिया ज्ञान चंदनी ने झूलेलाल की महिमा और महादेव के भजन से भक्तों का मन मोहन लिया। संस्था द्वारा लंगर साहिब का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष रमेश जेसवानी, कोडुमल धनराजानी, दीपक देव सिंघानी, मेघराज मैनानी, मनोज मोरियानी, योगेश उत्तम चंदानी अथक प्रयास कर रहे हैं। रोज सैकड़ों भक्त लंगर एवं सत्संग का आनंद ले रहे हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में उज्बेकिस्तान से हिंदी सीखने आए अध्यापकों के स्वागत समारोह में कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते ऐतिहासिक और प्राचीन रहे हैं। दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यता का गहरा संबंध है। विश्वविद्यालय में उज्बेकिस्तान स्थित ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज के 6 अध्यापकों का 5 सप्ताह का हिंदी अंग्रेजी भाषांतरण कार्यक्रम के लिए आगमन हुआ है। कुलपति की ओर से उज्बेकिस्तान के नीलूफर खोजाएवा, सिराजुद्दीन नुरमातो, काबिलाजान खाजीएव, मकतुबा मुर्तजा खोजाएवा, मामूरा सुलेमानोवा एवं नीलूफर नोरोवा का संवाद कक्ष में स्वागत किया। कुलपति प्रोफेसर शुक्ला ने कहा कि दोनों देशों के बीच 2500 वर्षों का व्यापारिक संबंध रहा है। सन 2016 से दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम मिला है।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के उपजे की भाषा का अध्ययन शुरू करने पर विचार चल रहा है। उज्बेकिस्तान के सिराजुद्दीन नुरमातो ने कहा कि ताशकंद विश्वविद्यालय में पिछले 50 वर्षों से हिंदी के साथ दक्षिण एशिया की भाषाओं का अध्ययन हो रहा है। स्थानीय लोग हिंदी से अच्छी तरह से परिचित हैं। हिंदी फिल्में तथा धारावाहिकों का उब्जे की भाषा में अनुवाद किया जाता है। भारत की हिंदी फिल्में उज्बेकिस्तान में काफी लोकप्रिय भी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन भी ने मंगलवार को सान्याल नगर स्थित टेकानाका में नागपुर महानगर पालिका के जीएम बनातवाला इंग्लिश स्कूल के परिसर में एक पौधा लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्र कोटकर, पूर्व पार्षद मनोज सांगोले, पूर्व पार्षद सविता सांगोले, मनपा के शिक्षा विभाग के विनय बागले, विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक कर्मचारीगण उपस्थित थे। वृक्षारोपण के बाद मनपा आयुक्त ने स्कूल परिसर का निरीक्षण किया, कक्षा में छात्रों से बातचीत भी की। छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता की जांच के लिए उन्होंने छात्रों का परीक्षण भी किया। ब्लैक बोर्ड पर छात्रों को गणित के प्रश्न दिए गए और छात्रों ने आगे आकर मनपा आयुक्त के समक्ष सवालों का समाधान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मनपा आयुक्त ने छात्रों की सराहना की। हाल ही में स्कूल में एक अपडेटेड स्टेम लैब स्थापित की गई है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी ने इस लैब का निरीक्षण किया। इसके अलावा मनपा आयुक्त ने कंप्यूटर लैब का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल परिसर में पाई गई खामियों को तत्काल दूर कर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। JCI ने सपनों की उड़ान की थीम के साथ एक टैलेंट हंट शो स्वयं का आयोजन किया। PZPJC मुकेश अशर, PZPJC स्वस्तिक जैन, PZPJC आशीष जिचकर, PZPJC मनीष पुरजेकर ने अपनी सौम्य उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में यिन यांग, रंगोली प्रतियोगिता, कोलाज प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, रैंप वॉक शो, स्टैंड अप कॉमेडी जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं थी, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की मेजबानी JCI नागपुर गोंडवाना अध्यक्ष JC राहुल राजकोटिया, JCI नागपुर महिला विश्व अध्यक्ष JC उमा अरोड़ा, JCI नागपुर रॉयल के अध्यक्ष JC अजेश चावला, JCI नागपुर फार्मा के अध्यक्ष JC रितेश रमानी, JCI नागपुर ऊर्जा के अध्यक्ष JC अमित देशमुख, JCI नागपुर ग्रीन सिटी अध्यक्ष JC सीमा साहू, JCI नागपुर प्रतिभा अध्यक्ष JC प्रांजलि ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम का संचालन JC लवली सिंह, JC नीलेश लांजेवार, JC राजेश दुबे, JC जीनापुरी, JC स्मिता लांजेवार, JC रीना मदान ने किया। अखिल भारतीय सिंधी समाज विदर्भ प्रांत की ओर से संत सतराम दास धर्मशाला में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर स्वर्गीय दादा खुबचंद मोहनानी की स्मृति में आयोजित किया गया, जिसमें किडनी, पथरी व कैंसर स्पेशलिस्ट सुप्रसिद्ध डॉक्टर सदाशिव भोले व भरत बासवानी ने बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों की जांच कर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दी एवं दवाओं का मुफ्त वितरण किया। मंच पर उपस्थित गोवर्धन कोडवानी व दौलत कुंगवानी ने प्रस्तावना रखते हुए बताया कि आने वाले समय में अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा ने संबोधित करते हुए बताया कि संस्था के माध्यम से अन्य स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन आने वाले समय में किया जाएगा। मंच पर उपस्थित डॉक्टर सदाशिव भोले व भारत वासवानी ने कहा कि डॉक्टरी सेवा के लिए वे सदा कटिबद्ध रहेंगे। उनकी सेवाओं के लिए डॉक्टर भोले का स्वागत गोवर्धन कोडवानी व दौलत कुंगवानी ने शाल श्रीफल स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया। डॉक्टर वासवानी का स्वागत वीरेंद्र कुकरेजा व जय मोहनानी ने शाल श्रीफल स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया। स्वास्थ्य शिविर के संयोजक जय मोहनानी, श्रीचंद मोहनानी, डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर रियाज अमीर, सुरेश नाथानी, DP लालवानी, मोहन मंजानी, बाधन दास तलरेजा, मुरली केवल रानी, लक्ष्मण दास चंदवानी ने शिविर में भेंट दी। श्री राधा कृष्ण मंदिर वर्धमान नगर में ऑस्टियोपैथी दर्द निवारक चिकित्सा शिविर का आयोजन उमाकांत अग्निहोत्री एवं पवन पोद्दार ने किया। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर ने अपनी 6 डॉक्टरों की टीम के साथ नागपुर के सैकड़ों मरीजों का इलाज कर उनको ठीक किया। कुछ पेशेंट तो ऐसे थे जो व्हीलचेयर पर आए थे, लेकिन इलाज के बाद वो अपने पैरों में चलकर वापस गए। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर, रामकृष्ण पोद्दार, पूनमचंद मालू, गोविंद पोद्दार, उमाकांत अग्निहोत्री, पवन पोद्दार, हरीश अग्रवाल के हस्ते दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया गया। इसका फायदा 1000 लोगों को हुआ। सभी ने अपनी इच्छा जताई कि ऐसे ही कैंप बार बार होते रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में MM शर्मा, सुधीर केडिया, श्रुति खंगूर, केदार साहू, विष्णु शर्मा, दीपक सिंह आदि सेवारत थे।
डॉक्टर ममतानी दंपति द्वारा संपादित पत्रिका स्वास्थ्य वाटिका के फूड एंड न्यूट्रिशन अंक का विमोचन पूर्व कैबिनेट मंत्री सुनील केदार के हस्ते हुआ। इस अवसर पर विधायक अभिजीत वंजारी, एडवोकेट आसिफ कुरेशी, अतुल कोटेचा, जावेद खान राणा, इमरान शेख, 24 स्टार प्राइड क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर रीचा जैन व सभी डायरेक्टर उपस्थित थे। विमोचन अवसर पर सुनील केदार ने कहा कि विगत 32 वर्षों से डॉक्टर ममतानी दंपति आयुर्वेद प्रचार प्रसार के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा की उत्तम सेवा है। शरीर स्वस्थ है तो अन्य सभी जीवन संबंधी कार्य सुचारू रूप से होते हैं। स्वास्थ्य सेवा का पुनीत कार्य डॉक्टर दंपति कर रहे हैं। इनके द्वारा प्रकाशित स्वास्थ्य वाटिका विगत 16 वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सरल सहज भाषा में जनमानस को लाभ दे रही है। डॉक्टर ममतानी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य वाटिका पत्रिका 16 वर्ष का सफर पूर्ण कर चुकी है। अब तक इसके 63 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन अंक में मुख्यतः डायबिटीज, एनीमिया, हृदय रोग, संधिवात, बालक व वृद्धावस्था में आहार पोषण का योगदान, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लैक्टोज इंटॉलरेंस, खानपान संबंधी भ्रांतियां, जंक फूड, ऑर्गेनिक फूड, वीगन डाइट, कवल ककड़ी, शिमला मिर्च, जीरा, सोयाबीन, तरबूज, खरबूज इत्यादि खाद्य पदार्थों की आहार पोषकता का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।